पल्पी टैमरिन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पूरन पोली कैसे बनाते हैं देखेंगे। हमें चाहिए घी, मैदा एक कप, आटा एकदम नरम और ढीला बनाना, सख्त नहीं बनाना, केसर कलर एक पिंच, इलायची का पाउडर एक टीस्पून, एक कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, 3/4 कप गुड़ से पूरन बना लेना। तो हम पहले आटा बनाएंगे। एक कप मैदा में एक चुटकी भर नमक डालकर और हम जो है केसर का कलर एक चुटकी भर डालेंगे, या तो केसर को दूध में भिगो के उसे ऐड करेंगे तो केसर कलर आ जाएगा। और फिर हम एक स्पून घी डालकर उसका पहले मोइन बनाएंगे, फिर हम जितना पानी चाहिए उतना पानी डालकर हम एकदम नरम और एकदम ढीला जो है आटा बना के रेडी करके रख देंगे और इसे गीले कपड़े से बंद करके आधे घंटे तक रख देंगे। उसके बाद हम जो है एक कढ़ाई लेकर उसमें हम घी डालकर एक कप नारियल जो हमने कद्दूकस किया है उसे अच्छी तरह से चलाएंगे, जब तक वो अच्छी तरह से भुने ना। फिर हम उसमें 3/4 जो कप है गुड़ डालेंगे, उसे भी हम कद्दूकस करके ही डाल देंगे तो जल्दी से पिघल जाएगा। और फिर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालकर उसे जब तक वो पूरी तरह से पक कर एकदम चिपचिपा होकर पूरे जो कढ़ाई को छोड़ के आता है तब तक हम इसे चलाएंगे। अगर घी चाहिए पड़ेगा तो और ऐड करेंगे। यही हमारा पूरन है। अभी हमने जो है आटा है मैदा का जो आटा बना के रखा है उसमें से एक छोटा सा लोई निकालकर उसे हमने हाथ से फैला फैला कर बड़ा करना है, क्योंकि वो जो है ढीला और नरम है इसलिए हम उसे बेलन से नहीं बेल सकते हैं। तो ऊपर से जो है वो सब जगह चिपकेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिथीन का शीट ले लेंगे, जैसे मिल्क पैकेट का कवर या कोई और पॉलिथीन पैकेट जो होगा उसे हम काट कर उसमें हम थोड़ा सा घी लगा कर उसे हम उसके ऊपर हम इसको रख कर हाथ से फैलाएंगे, क्योंकि हमें बेलन से नहीं कर पाएंगे। हम उसे हाथ से जितना बड़ा फैला सकते हैं उतना बड़ा गोला हम फैलाएंगे। फिर हम उसके अंदर पूरन का एक गोला रखेंगे और उसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, जो आटा है उसे पूरन के ऊपर अच्छी तरह से गोला बनाकर बंद कर देंगे और फिर उसको अगेन जो पॉलिथीन पैकेट है उसके ऊपर रखकर फैलाएंगे हाथ से। उसके बाद एक और पॉलिथीन पैकेट को ऊपर रखकर हम बेलन की मदद से जितना पतला हमें बेल सकते हैं उतना पतला हम बेलेंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि पूरन बाहर ना निकले, तो इस तरह से थोड़ा हल्के हाथ से हम बेलेंगे। इस तरह से बेलकर जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बनाकर तवा को गर्म कर उसमें हम थोड़ा घी डालकर इसे तवे पर डालकर सेकेंगे। तो ये जो है पूरन पोली, ये जो है पराठे जैसे ही बनता है, पर ये मैदा में बनता है, ऊपर से इसमें घी लगता है और ये स्वीट है। तो जो अंदर का पूरन है वो स्वीट है। तो इसमें हम अच्छी तरह सेक कर दोनों साइड में अच्छी तरह से क्रिस्प होना है, एकदम क्रिस्प होने तक हमें दोनों साइड सेकना पड़ेगा और अच्छा स्पॉट्स गोल्डन स्पॉट्स आना पड़ेगा और अच्छी तरह से पकना पड़ेगा। तब तक हम इसे पकाएंगे और फिर हम इसे निकाल कर रख लेंगे। तो यही हमारा जो है कोशिश होगा कि जितना पतला बना सकते हैं हम उतना पतला बनाएं। देखिए आप कैसा है आटा, एकदम पतला सा, जैसे ब्रेड बनाते हैं वैसे उस तरह का आटा है, चिपचिपाहट के साथ। तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा और इसे बनाना पड़ेगा। तो फिर हम एक और बात दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने एक लोई निकाल के रख ली है, उसे हाथ से हम जितना हो सके उतना हम उसे फैलाएंगे। हाथ में भी थोड़ा तेल लगा कर हम करेंगे, नहीं तो वो चिपकेगा। और हम एक पॉलिथीन शीट के ऊपर रख कर रहे हैं और शीट के ऊपर भी हमने तेल लगाया है, तेल मतलब घी। अब इसको इसके अंदर हमने पूरन रखा है और उसको देखो हम कैसे बंद कर रहे हैं और पूरी तरह से सील कर रहे हैं ताकि कहीं से भी वो बाहर ना निकले। और उसको और अच्छी तरह से हम गोल करते जाएंगे ताकि वो सब जगह से सील हो जाए। फिर हम हाथ से अगेन फैलाएंगे और बीच बीच में हम तवे पर जो है उसे भी देख लेंगे ताकि वो काला ना पड़ जाए या बर्न ना हो जाए। अभी हम इसको पॉलिथीन शीट के ऊपर रखकर आराम से फैलाएंगे, क्योंकि उसमें पूरन है तो ध्यान से फैलाएंगे और हल्के से फैलाएंगे ताकि बाहर ना आए या टूटे ना या फटे ना। उसके बाद हम ये जो शीट है उसको फिर ऊपर रखकर
हम बेलन की मदद से और पतला, जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करेंगे। तो दो शीट रखना बेटर रहेगा, तो आराम से जो है उसके अंदर वो फैलेगा। तो उतने आराम से हल्के हाथ से हम फैलाएंगे और फिर हम इसे भी अच्छी तरह से सेक के निकालेंगे। तो जब पतला होता है तो बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए, क्योंकि ऊपर का जो वो है बोली है वो पतला होता है और अंदर का पूरन बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि नारियल गुड़ है बहुत टेस्टी तो होगा ही और घी भी है। तो अगर मोटा होगा तो थोड़ा खाने में दिक्कत होगी, अगर पतला होगा तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो जितना पतला हम बना सकते हैं उतना पतला हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही है पूरन बोली, ये त्योहारों में चढ़ाया जाता है भगवान को, तो ट्राई करके देखिएगा। तो हमने अभी दूसरा जो बोली बनाया था उसे हम तवा पे डाल रहे हैं, तो उसे भी हम अच्छी तरह से सेकेंगे, फटे बिना निकाल के डालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम पॉलिथीन शीट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हैं, या तो हम बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी सरफेस हम यूज़ करेंगे उसमें चिपकना नहीं चाहिए और हमें ईजिली निकालने के लिए मदद होना चाहिए। अब देखिए जो आटा किस तरह से बना है, कैसे पतला सा है, तो हाथ में घी लगाकर ही हम उसे निकाल सकते हैं, या तो हाथ में चिपकेगा। देखो कैसे है, एकदम स्ट्रेची खिंचा हुआ। तो इस तरह से हमारा आटा बनना चाहिए, तभी जो है वो मतलब पतला बेल पाएंगे और उसको जैसे हम चाहते हैं उस तरह से उसे बेल पाएंगे। तो अभी हम अगेन इसे तीसरा हम बना रहे हैं, तो आराम से हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से फैला रहे हैं जितना हो सके। फिर हम पूरन का एक गोला उसके अंदर रखेंगे और जो है आटा उसको पूरी तरह से उसे बंद करेंगे उसके ऊपर से, ताकि कहीं से भी वो बाहर ना निकले। और उसके बाद तो यही स्टेप है, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह से बना रहे हैं, पर आलू के पराठे में आटा जो है वो थोड़ा सख्त होता है, ये एकदम नरम और एकदम ढीला है। और ये हम ऐसे पतला बनाएंगे ताकि ये खस्ता बने, तो इस तरह से हम अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि सब जगह से बंद हो जाए। फिर उसको थोड़ा फ्लैट करके फिर हम उसके ऊपर रखकर अगेन थोड़ा फैलाएंगे, जितना हो सके उतना फैलाएंगे ताकि पूरन सब जगह फैल जाए। और उसके बाद हम एक और शीट को ऊपर रखकर बेलन को रखकर और पतला फैलाएंगे, जितना हो सके उतना पतला, मतलब पूरन बाहर नहीं निकलना चाहिए और मैदा एकदम मोटा मोटा कहीं रहना नहीं चाहिए। उसको पतला करके हम उसको भी जो है देखिए कितना अच्छी तरह से बन रहा है। तो हमें ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो खस्ता बने और घी का जो फ्लेवर और टेस्ट और कोकोनट और जैगरी का जो टेस्ट एकदम इतना अच्छा बनेगा। तो अच्छी तरह से पतला बनाएंगे तो एकदम क्रिस्प हो जाएगा, तो क्रिस्प बनाते हैं तो टेस्ट रहेगा, अंदर मीठा बाहर क्रिस्प, बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से बनाकर आप एक कप मैदा में आराम से 3-4-5 जो है बोली बन जाएगा, आराम से बनेगा, क्योंकि हम बहुत कम ही तो आटा लेते हैं ना एक एक लोई में, इसलिए। तो इस तरह से बनाकर अच्छी तरह से सेक कर घी को डालकर, घी आराम से डालिए क्योंकि ये स्वीट है, तो इसमें घी ज़्यादा डालने से अच्छा रहेगा। सेक सेक कर निकाल लीजिएगा। तो यही पूरन पोली है, ये बहुत फेमस है आंध्र और महाराष्ट्र में, और ऑल्सो सब साउथ इंडियन स्टेट्स में इसको बनाते हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, सब जगह बनाते हैं। तो ये बहुत फेमस है, स्पेसिफिकली इसको हम बनाते हैं त्योहारों पर, और जब भी जैसे नवरात्रि आता है या सभी त्योहारों में बनता है, तो बना सकते हैं इसे, तो बहुत टेस्टी होता है। तो इसे बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो एक ट्रेडिशनल फूड है ये बहुत सालों से, जैसे दादी के सालों से, नानी के सालों से है, तब से बनाते हैं, पर अभी आजकल घर में कोई बनाता नहीं है, बहुत कम बनाते हैं, तो ये सब बाहर ही खरीद के खाने को मिलता है, वो भी सब जगह मिलता नहीं, कभी कभी आज कहीं कहीं एक जगह मिलता है, सब जगह मिलता नहीं है। आजकल तो फास्ट फूड और
सब पिज़्ज़ा और बर्गर का क्रेज़ है, तो जो ट्रेडिशनल फूड है वो तो गायब ही हो चुका, तो ये सब तो थोड़ा देख कर ढूंढ कर मिलता है। अगर घर में कोई बना ले तो बहुत अच्छा होगा, तो जिसको भी ये पसंद है वो घर में ट्राई करके देखें। कोई लोग हल्दी का कलर डाल हल्दी डाल देते हैं, पर हल्दी से जो क्या होता है, हल्दी का फ्लेवर आता है, तो स्वीट है ये, तो इसमें हल्दी का फ्लेवर आना नहीं चाहिए, इसलिए येलो कलर यूज़ कर लिए, या तो सैफ्रन को दूध में भिगो के उसे यूज़ कर लीजिए ताकि वो सेम कलर आ जाए। तो यही आपके लिए बोली है, एकदम तैयार पूरन पोली। कहीं किसी प्रांत में बोली बोलते हैं, किसी का प्रांत में पोली बोलते हैं, पर है पूरन पोली। पूरन मतलब जो अंदर जो मिश्रण रखा है, और पोली जो बाहर का है आटा से जो बना है, सो पूरन पोली। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, और एक और टाइप का पोली भी बनता है, मैं कभी और उसे का भी वीडियो बना के डालूँगी। ये जो मैं कोकोनट का जो ग्रेटेड कोकोनट और जैगरी का पूरन बनाया है, ये एक बोली है। एक और बोली है जिसमें कुछ और मिश्रण लगता है, मसाला मिश्रण भी बनता है, सेवरी मिश्रण भी बनता है पूरन बोली में। आजकल सेवरी मिश्रण भी निकला हुआ है, क्योंकि आजकल स्वीट ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, इसलिए वैसा भी निकला हुआ है। तो हो सके तो मैं उसका भी वीडियो कभी डालूँगी। तो ये मैंने आपके लिए बना के दिखाया है पूरन बोली, ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली को सबको खिलाइएगा किसी एक आध दिन। बस सिंपल है और बहुत ईजी है, नारियल घर में होगा तो ज़रूर ट्राई करना। टेस्टी पूरन पोली खाने के लिए तैयार है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पल्पी टैमरिंड चैनल को देखने के लिए बहुत